लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में मोदी लगातार चुनावी सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक तरफा मिली जीत को दोहराने में इस बार बीजेपी को पसीने आ सकते हैं। लोकसभा चुनावों की कुछ ऐसी ही सीटों की हम आज बात कर रहे हैं जहां चुनावी टक्कर काफी रोमांच से भरी हुई है और इनमें से ही एक सीट है चित्तौड़गढ़। नमस्कार, मैं सुनील कुमावत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में हम आप आज बात करेंगे कुछ ऐसी प्रमुख सीटों की जहां राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं और वहां कांटे की टक्कर है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चर्चित चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। इस वक्त केंद्र और राजस्थान दोनों ही जगह पर भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा ने इस सीट से अपने राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने करीब 29 साल पहले छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत किया था। राजनीति में एक पायदान चढ़कर 47 साल की उम्र में वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन गए। सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी का जन्म 4 नवंबर 1975 को हुआ। वे वर्ष 1994-95 में NSUI से चित्तौड़गढ़ राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ उपाध्यक्ष बने। इसके बाद वे 1995-96 में NSUI से ही छात्र संघ अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद के सदस्य रहे। वहीं इसके बाद उन्होंने वर्ष 2005 में भदेसर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत कर भदेसर के उपप्रधान बने। वर्ष 2010 तक उपप्रधान रहने के बाद उन्हें वर्ष 2014 में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और वह पहली बार सांसद बन गए। इसके बाद वर्ष 2019 में दूसरी बार लगातार चित्तौड़गढ़ के सांसद बने। वहीं कांग्रेस ने भी जोशी के खिलाफ अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आंजना को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता आंजना 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह को हराकर देश में सुर्खियों में आए थे। आंजना ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटी सादड़ी प्रधान 1988 से 1991 से की। आंजना 3 बार 1993 से 98, 2000 से 2013 तथा 2018 से 2023 तक निमेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वर्ष 2018 से 2023 के कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान सरकार में सहकारिता विभाग संभाला। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से विधानसभा में इन पर दाव लगाया, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री चंद कृपलानी भारी पड़े और आंजना को हरा कर विधानसभा पहुंचे। हार जीत का अंतराल बहुत कम था। आइए जानते हैं इस सीट के समीकरण और कुछ खास बातें। कभी मेवाड़ की राजधानी रही चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 6 सीटों पर भाजपा को बीते विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। एक सीट निर्दलीय और एक कांग्रेस के खाते में गई थी। खुद आंजना भी इस क्षेत्र की निमेड़ा सीट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट बड़ी चुनौती है। क्षेत्र में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, अनुसूचित जनजाति आदि की अच्छी खासी जनसंख्या है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल सिंह को चित्तौड़गढ़ मैदान में उतारा था। हालांकि उन पर भारी होने के आरोप लगे और वे सीपी जोशी से चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस को इस बार किसी लोकल चेहरे की तलाश थी जो दिग्गज नेता सीपी जोशी को टक्कर दे सके। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से भी सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को इस सीट से हराया था। वह 2 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं और लोकल में उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में आंजना ही कांग्रेस के लिए योग्य प्रत्याशी थे। साल 2014 और 19 दोनों ही लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर जोशी का दबदबा रहा। कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को घेरने की फुल प्रूफ प्लानिंग की है। 2019 में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह केसावत को
576,247 वोटों के भारी अंतर से हराया था। उन्हें 67.4% वोट मिले। वहीं 2014 में सीपी जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास को 316,857 वोटों के अंतर से हराया था। तो ये थे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण, जहां चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच ना होकर दोनों प्रदेश की बड़ी पार्टियों के बीच हो रहा है, क्योंकि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हराने में कांग्रेस पार्टी आलाकमान फुल प्रूफ प्लानिंग में लगा हुआ है। सीधी कहें तो प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहां टक्कर होने जा रही है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी मोदी के बहुत करीबी हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि प्रदेश की कांग्रेस क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हरा पाएगी, या सीपी जोशी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। अगली कड़ी में ऐसी ही एक और सीट से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।